सकते हैं हमारी मम्मी है, आज हमने इनको परेशान कर दिया। किसके लिए मम्मी? पापड़ वापड़ चिप्स तलने और के लिए। पापड़ के लिए इतना परेशान कर देता है, मैं जब खाना बना लेती हूँ उसके बाद ये परेशान चिप्स पापड़ तलवाता है। मम्मी एक बार मेरा वाला डायलॉग बोल दीजिए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और वो वाला क्या नाम है, हेलो मेरी फैमिली कैसे हो आप लोग, एक बार मम्मी। हेलो मेरी फैमिली आप लोग कैसे हैं? एक मिनट अब बोलिए। हेलो मेरी फैमिली आप लोग कैसे हैं? थोड़ा सा आपने एक्टिंग ओवर एक्टिंग कर दी, अच्छा तरीके। देखो आज पापा का क्या नाम है, सिराजिम है ना, सिराजिम में कोई कॉम्पिटिशन है शायद, कॉम्पिटिशन हम लोगों को पता नहीं है। तो पापा को ड्राइंग बनाने के लिए मिला है, फायदा देख रहे हो कहाँ जा रहा है, ड्राइंग बनाया सृष्टि ने, नाम लिखेंगे हम, फायदा किसका का, पापा का। चलो कोई बात नहीं, सृष्टि ने बना के आराम से पैसरी हुई है। ओह माय गॉड इतना था, थकी हो कि थक गई हो? थक गई। चल कोई बात, थक जाओ। तो चलो हम लोग गेमिंग कर देते हैं फटाफट, ये पढ़े ना भैया। गाइस मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, ये पहले मेरी बुक थी। अरे यार कुछ नहीं है, मैं अपनी दिखाऊंगा ना ड्राइंग, तो उसमें मेरी भी है ना। गाइस ये गाइस ये पकड़ो, नहीं मैंने पकड़ी सका नहीं। गाइस गाइस ये देखो कितनी प्यारी ड्राइंग है ना मेरी, ये मत देखो, ये देखो गाइस कितनी प्यारी प्यारी ड्राइंग। गाइस गलती से कहीं डाल दिया। एक मिनट गाइस मैं सीधा कर देता हूं। गाइस देखो यार कितना प्यारा ड्राइंग बना रहा हूं मैं, कितनी अच्छी लग रही है बंदूक, कितना प्यारा बूंद नहीं है कुछ है। अरे भाई ये वो है, कुछ तो है। ये पत्थर है। देखो, पत्थर तो उड़ रहा है। ग्रेविटी यार छोड़ चुका है ये। अच्छा। ग्रेविटी पढ़ा है ना तुमने? देखो गाइस तुमने गंदी कर दी थी, सृष्टि की थी लेकिन मैंने यहाँ पे ये बना दिया, प्यारा सा। मेरे को भी शौक था इनका कभी इसी जमाने में। एक मिनट गाइस मैं उल्टी खोल लूं, 4 साल मैंने पहले बनाया था। गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने क्या बनाया, अपनी शक्ल बना रहा था मैं, कैसी बन गई गाइस। और गाइस ये जो इसके पीछे है, पीछे वाला मैं नहीं दिखाऊंगा, इधर साइड है, किसी की ड्राइंग है लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा। सीक्रेट सीक्रेट दिस इज माय सीक्रेट, इसको सीक्रेट वाली फाइल पे ऐसे बंद कर देते हैं क्लास में। अभी मैंने देखिए सुशी तुमने ब्रश किया है? हाँ नहीं करोगी? हाँ इतनी काहे हो? हाँ क्या अभी बोल रहे हो तुम? नहीं अभी अगर इस डायग्राम की करते हम लोग नेमिंग, और फिर नेमिंग करके आपको दिखाते हैं कैसा बना है। सो गाइस देख लो क्या मतलब बन गया। यहाँ से निकलो शिष्य, तुम यहाँ निकलो। हमेशा इतना बतियाते निकला था। गाइस अभी नहाना भी है, नहाया नहीं हूँ मैं। सो ड्राइंग पापा की रेडी है, देख सकते हो आप लोग, ये देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। एक मिनट ये इसके सिस्टिक खोपड़ी है और ये बन चुका है। कहते हैं नहाते धोते हैं क्योंकि बाल देख रहे हो, और पूरे लते में कैसे हो गए मेरे, ऐसे लग रहा है नूडल्स बन गए। आप तो नहाते धोते हैं और फिर खाना पीना खाते हैं, और आज तो सामान हो जाना, मतलब बुआ के यहाँ जाना है, तो बुआ के अभी चलेंगे और दादी वहाँ पर थोड़ी दादी से मस्ती करेंगे, और बाबा भी अभी वहीं पे अभी गए नहीं है, तो क्योंकि अभी आज बड़ी मम्मी आने वाली है, तो जब वो आएंगी तो कल शायद कल या परसों बाबा निकल जाए गाँव के लिए। सो अभी जब तक बाबा हैं तब तक थोड़ी बहुत इधर मस्ती करते रहते हैं, और बाबा चले जाते तो थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है, साथ में रहना चाहिए लेकिन रहते नहीं बाबा, उनको अकेले अच्छा लगता है, मतलब गाँव में अच्छा लगता है, उनको यहाँ नहीं अच्छा लगता है, हम कहते हैं कि रुक जाओ रुक जाओ लेकिन नहीं रुकते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, जब तक है तब तक तो अच्छा लगता है और मौज मस्ती करते रहते हैं। तो चलते हैं पहले अभी नहा धो लेते हैं, और पापा को इनका डायग्राम दे
देते हैं, फिर जैसा उनका पापा बताएंगे कैसे आप क्या कुछ रेटिंग अगर मिलना होगा तो मिलेगा नहीं, फिर कोई बात नहीं है, अपना काम तो बनाना अच्छे से बना देना, अब देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। और पापा कह रहे थे यहाँ पर जो स्पाइनल होती है वो थोड़ी सी बाहर होती है, मैंने कहा स्पाइनल थोड़ी सी अंदर होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी गर्दन से, तब जाकर चलो नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं, आज देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है, मम्मी से घर बैठी है, मम्मी को भी खाना है, और पापा ही बच्चे जाएंगे सरेज में, तो सरेज में जाने के बाद वहाँ पर वो क्या से दादी आदि के हमें मतलब बड़े हम क्या रहेंगे, बहुत बड़े हम यहाँ से दादी आदि से थोड़ी बातचीत करेंगे, फिर आ जाएंगे अपने घर क्योंकि इसका वो घूमना चाहिए। और अभी होली का माहौल चल रहा है और कल से मेरा एग्ज़ाम है तो कल से तो घूमना घूमना रहेगा, तो चलो पहले अब नहा धो लेते हैं, उसको दफ्ती में चिपका दो तुम्हारा। अरे यार ये तुम्हारा काम कर दो, दफ्ती वाला कर दो, मैंने पूरा बनाया मम्मी यार, बाकी कुछ मत खोल दीजिएगा। मेरे राज बहुत जल्दी ला मम्मी रेटिंग दे रही, मम्मी कितने रुपए मतलब कितने रेटिंग देंगी आप इसको, 10 में से कितने नंबर देंगी आप? बेटे को दिया नहीं जाता है। अरे नंबर कितने देंगी आप ये बताइए, 10 में से कितने नंबर देंगी अगर आपको देना हो तो? 10 में से मैं 10 दे ही दूंगी। ओ भाई देखा 10 में 10 मिल गए, मेरी ड्राइंग की हड्डियां छोटी करके उधर दिखा रहे हो। अच्छा कलर ये तुम किए हो? हाँ ये कलर तुमने किया है, बताओ एक मिनट, दो ही तीन कलर छीली है उसके ऊपर से सारी हड्डियाँ मेरे को छोटी करनी पड़ी, इधर से मैंने बनाई बनाई ना, देख लो तुम्हारी हड्डियाँ नहीं है हमने अलग से बनाई, फिर ये पूरी हड्डियाँ रफ की थी मम्मी, पूरी रफ की थी कि नहीं? और क्या, इसने कुछ नहीं किया था, इसने खाली बस मोटा की। तुमने जो बनाया था वो इतनी बड़ी बड़ी बनाई थी, हमने सारी रफ की थी, पूरी पूरी इधर की हड्डी रफ की थी, ये देखो यहाँ पे बीच में बीच में हमने नस बनाई, यहाँ दांत बनाया मैंने, तुमने दांत बनाए थे, तुमने जाली बनाई थी, मैंने जाली बनाई थी, दांत बनाया तुमने जाली बना दिया। वाह भाई वाह, उल्टा ही बता रही है, नहीं वीडियो तो बन रही है आप बोलते रहिए। नहीं तो आपका सी जो है ना वो थोड़ा सा, सी मेरा कैसा है? बराबर लेवल में रहेगा ना? नहीं लेवल यहाँ पे किसी का बराबर ही नहीं है आपका, तो बिल्कुल यूं भाग जाएगा का बोला यार मम्मी, सी होना चाहिए बाकी सब कुछ। हाँ और यहाँ पिताजी का नाम नहीं रहेगा क्या? तो अब बाकी भी तुम करो फिर हम नाम लिख देंगे, अभी इसको जाके पेस्ट वेस्ट करो उस पे दफ्ती पे, चलो शादी कार्ड पे ऐसे हड्डियाँ चुका के देंगे, मुर्गे का स्केलेटन बना के हम लोग चुकाएंगे। नहीं नहीं एक काम करेंगे, जैसे मम्मी सिस्टी की शादी करेंगे, सिस्टी की स्पाइनल की वो करवा लेंगे एक्सरे, सिस्टी के हस्बैंड के स्पाइनल का एक्सरे करवा लेंगे, ये देखो नहीं पापा पर जल चढ़ा सकल इन लोग नहीं छापेंगे, हम लोग हड्डियाँ छाप देंगे, वो दो एक आदमी और एक औरत की नहीं छपती, छपती नहीं मम्मी, सकल होती है, सकल होती है माता जी। मैंने एक बार हाथी बनवाया था, वो हाथी अलग था, हाथी भी मेरे को ही बनाना पड़ा था, वो एक बार कोशिश की थी मैंने भैया, यही इसी जिस रूम में मैंने ही बनाया उसी रूम की बात है। अरे तुम लोग अपने बच्चों से पूछ रहे कि क्या तुम लोग जैसे, मैं टैलेंट हूं, टैलेंट हूं, हां तुम पता, तुमसे ज्यादा मैं टैलेंटेड हूं ऐसे कहूंगा। नहीं मैं कह रहा हूं तुम्हारे पापा ने मेरी आर्ट से, तो फिर जाइए आप जाओ, पहली फुर्सत निकल जाओ, तुमसे कोई बात नहीं करनी, हमारा पापा ने एक हाथी तक नहीं बनाया था, मेरे को भी याद है, कीड़ी भी तो की है इतनी बड़ी, जल्दी खाना खा लिया था, मैं 12:30 बजे करीब खाना खाता हूँ और आज मैंने 10 बजे करीब खाना खा लिया क्योंकि संडे था और संडे का मैंने फायदा उठा लिया, सुबह सुबह खाना खा लिया और अब मेरे को ज्यादा भूख लग रही थी, मैंने सोचा कि अभी चावल पड़े हुए उनको फ्राई करते हैं और फिर खाते हैं, तो चलो आज कुछ नए स्टाइल से फ्राई करते हैं, और लाल राइस फ्राइड राइस तो है नहीं, तो आज मैं मंचूरियन मसाला डालने वाला हूँ उसमें, प्याज काट दिया है, तेल मेरा गर्म हो गया, अब मैं इसको उसमें डालता हूँ, खजा से हाँ 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 ओके, चलो चलो जा रहा है भाई, स्वाद आ गया। चेक करें आज हम कहाँ आए हैं, ये देखिए दादी हमारी, दादी बोलिए हेलो, हेलो और तेज बोलिए हेलो, मेरी फैमिली मेरी फैमिली कैसे हो आप लोग, कैसे हो आप लोग? हाँ शाबाश, बाबा ने भी ऐसे बोला था,
दादी ने भी ऐसे बोला। अब सब लोग कमेंट करके बताना दादी कैसी लग रही है आज। नहा धोई है ना? नहाई धोई है ना? नहा दी है दादी। अभी दादी हमारी रखती है। बढ़िया दादी, आपको 400 लोग कम से कम देखेंगे। 419 हो गए अभी, 419 लोग देखेंगे। देख लीजिए बाबा बैठे हमारे यहाँ पे। उस दिन आपने बोला था ना 400 लोग देखेंगे, 19 लोगों ने देख लिया, 400 बाकी है। दो सब्सक्राइबर बढ़ गए आपके जैसे। आइए ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, फिर गांव आएंगे हम लोग। जिस दिन 1000 हो जाएंगे बाबा, उसके 5 या 6 दिन बाद आ जाएंगे गांव घूमने के लिए। हाँ कह दीजिए इसमें, जब 1000 जल्दी से जल्दी करवा दो, कह दीजिए इसमें। बाबा थोड़ा सा अभी टीवी देख रहे थे बैठे बैठे। बड़े पापा क्या, बाबा को भी टीवी देख रहे थे। बाबा को बाबा की वीडियो दिखाते हैं। जा रहे दादी, ठीक है, अब हम ऐसे ही आपसे मिलेंगे, ऐसे फोन करेंगे, ठीक है हमेशा, ठीक। तो गाइस अभी हमारी ने पूरी जाएगी, और तो गाइस अभी हमारी ने पूरी जाएगी। दो दो पिज्जा देखे गई है, पता नहीं किस खुशी में देखे गई है। दो जब पिज्जा देखे गई है तो दीदी को थैंक यू, ब्लॉग देखती है। मम्मी आपको भी कुछ कहना है? नहीं नहीं, मम्मी को नहीं कहना है क्योंकि मम्मी अभी मूड ऑफ है, व्यस्त है, और ज्यादा मूड ऑफ तो परेशान भी नहीं करना चाहिए। चलो फिर इस पिज्जा का मजा लेते हम लोग, सही आ रहा है। हाँ, और आपसे खाने के बाद बात करते कैसा लगा है। पापा को भी देना, चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ पापा को देने के लिए, और तब तक जय करो आप।